सो गाइस, तो आप भी एक पहले बताना सीखना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल निकालना है आपको या स्टेम्स निकालना है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज आपको इस वीडियो में मैं तीन वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, वे बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको कोई भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है और आप ऑनलाइन ही आप एक अपेला बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जब भी आप डीजे सेट प्ले करते हैं, जैसे कि आपके पास तीन सी डीजे से या बोल सकते हैं आपके पास कंट्रोल है जिसमें आपके पास तीन या चार चैनल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डीजे सेट प्ले कर सकते हैं और आपको जो डीजे सेट है एक अपेला के द्वारा आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। या आपको रिमिक्सेस बनाना है तो उसके लिए भी एक अपेला की जरूरत होती है। तो आज हम इस वीडियो में इस रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे डेव, आपका स्वागत है। इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम जिस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है vocalremover.org। अब मैं जितनी भी आपको वेबसाइट बताऊंगा उन सबके मैं लिंक है वहाँ डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ब्राउज माई फाइल्स पर जाना है और आप देखेंगे आप कोई भी सॉन्ग ले लीजिए जो आपको सॉन्ग चाहिए। मुझे कोई यहाँ पर यह चाहिए, मुझे स्काई का अपेला बनाना है, तो मैं इसे ओपन कर दूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यह फाइल आपकी वहाँ है, अपलोड होने लगी है। इसके अलावा एक्सट्रैक्ट होगी और आपका जो एक अपेला है वह अलग निकल जाएगा और इंस्ट्रूमेंटल अलग निकल जाएगा। मुझे इस वेबसाइट की यही खास बात लगती है कि आप यहीं पर ही डायरेक्ट सुन सकते हैं आपका म्यूजिक भी और आपके जो वोकल है उसे भी। तो यदि आपको भी यूज़ करना है, आपको इस तरह का सुनना है, तो आप इस वेबसाइट को सबसे पहले विजिट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे म्यूजिक सुनना है तो मैं इसे प्ले करूँगा। तो जैसे कि देख सकते हैं आपको सिर्फ यहाँ पर म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। यदि आपको वोकल सुनना है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इसे वोकल सुन सकते हैं। तो इस तरह से आप यहीं पे ही प्रीव्यू कर सकते हैं। बट यदि आपको ऐसा लग रहा है जो आपकी वोकल है वह क्लियर नहीं है, आपकी जो एकापेला आपने बताया है, जो आपकी ऑडियो वह क्लियर नहीं हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टूडियो वर्जन परचेस कर सकते हैं, बट वह पेड है, आपको यह ध्यान रखना है। बट मुझे ऐसा लगता है यह इनफ है। यदि आपको डीजे सेट में आपको एकापेला प्ले करना है तो आप इसे प्ले कर सकते हैं, या रिमिक्सेस बनाना तो भी आप इवन रिमिक्सेस भी बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको यहाँ पर म्यूजिक निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से म्यूजिक निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे देख सकते हैं यह डाउनलोड हो चुका है। यदि आपको वोकल निकालना तो आप यहीं से ही अब वोकल भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपने यहाँ पर कोई भी लॉगिन नहीं किया है, बिल्कुल फ्री है और ऑनलाइन है, बहुत ईजी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी दूसरी वेबसाइट है आप यहाँ पढ़ सकते हैं vocally.ac, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको क्या करना है, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या फाइल सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप ब्राउजर पर जाकर आप यहाँ पर वापस सॉन्ग हम वही ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी जैसी फाइल अपलोड होगी तो यहाँ पर आपकी जिप फाइल पर आपका जो इंस्ट्रूमेंटल है और जो एकापेला है वह डायरेक्ट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आपको कोई भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बट आप प्रीव्यू यहाँ पर नहीं सुन पाएंगे जैसे कि आप इस वेबसाइट पर सुन लेते थे। तो इस तरह से यह फाइल आपकी अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो आपकी फाइल है वह डाउनलोड हो चुकी है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो वोकल है और इंस्ट्रूमेंटल दोनों आ चुके हैं। हम जैसे कि प्ले करते हैं सॉन्ग को तो आप देखिएगा ये आपका इंस्ट्रूमेंटल प्ले हो गया है। और यदि हम यहाँ प्ले करते हैं और ये आपका वोकल डाउनलोड हो चुकी है। इसके अलावा आप जो हमारी तीसरी वेबसाइट है उसका नाम है एकापेला एक्सट्रैक्टर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या आप जो की फाइल है वहाँ सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर भी आपको थोड़ा टाइम देखने को मिलता है, उसके बाद आप यहाँ से भी एकापेला बना सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर यह डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंटल देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ एकापेला देखने को मिलता है। हम सॉन्ग को प्ले करते हैं तो जैसे कि देख सकते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वेबसाइट का मैं सबसे लास्ट में यूज़ करता हूँ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, तीनों ऊपर जाकर आप क्या कीजिए, आपके जो सॉन्ग है उसे आप डालिए और एक्सट्रैक्ट कीजिए और तीनों के आपके जो एकापेला आपने बनाए हैं उसे आप सुनिए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस में आपको साउंड क्वालिटी बेस्ट देखने को मिलती है। बट यदि गाइस हम बात करें पेड सॉफ्टवेयर की, तो आपको पता होगा कि नीरो मिल्स करके सॉफ्टवेयर आता है डीजे प्रो का, उसके द्वारा भी आप एकापेला बना सकते हैं, बट उसमें आपको एक फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसे यूज़ कर पाएंगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको इतना भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जब आप उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे एकापेला, और आपको मैंने जो साइट बताई उससे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा यदि आपको रियल टाइम स्टेम बनाना है तो वर्चुअल 2021 में आपको एक फीचर देखने को मिलता है, जिसके द्वारा आप रियल टाइम स्टेम बना सकते हैं और डायरेक्टली आपके जो डीजे सेट है उसमें आप एड करके प्ले कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।